हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ टेस्ट ट्यूब ऑफ मास 2m क्लोज विद कॉर्क ऑफ मास m कंटेन्स अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ निग्लिजिबल मास। व्हेन द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड द लिक्विड इवेपोरेट्स एंड कॉर्क फ्लाइज ऑफ अंडर द प्रेशर ऑफ द गैस। व्हाट मस्ट बी मिनिमम वेलोसिटी विद विच कॉर्क मस्ट बी इजेक्टेड such that the test tube describe a full circle of radius capital R about the pivot and assume करना हमें कि test tube as a point object। देखो यहाँ पे question का meaning पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक rigid support यहाँ पे है ये वाला, और इस rigid support से एक string के साथ हमने यहाँ पे ये string आपको दिख रही है, यहाँ से एक test tube को बांध के रखा है इसके center में और ये cork से ये क्लोज्ड है। अब ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर एक लिक्विड है जिसका मास नहीं है या फिर निगेजिबल मास है, उसको हम लोग इस कैंडल की मदद से हीट कर रहे हैं, और जब वो हीट हो जाएगा तो वहां पे उसके वेपर्स क्रिएट होंगे, और ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर ये जो कॉर्क है ये बाहर मूव होगा और ये टेस्ट ट्यूब ये कुछ इस तरह से सर्कल परफॉर्म करेगा। राइट, फिर से एक बार देखो कि ये जो टेस्ट ट्यूब है ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये जब कॉर्क आउटवर्ड मूव होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बाय न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस टेस्ट ट्यूब को पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए ये जो कॉर्क है उस कॉर्क की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। राइट, ये देखो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट मस्ट बी The velocity with which the cork must be ejected। देखो यहां पे एक important criteria है, वो ये कि किसी भी object को अगर एक circle पूरा करना होता है तो उसकी velocity at this lowest position ये होनी चाहिए under root of 5rg। ये standard criteria है, right? Under root of 5rg होगी, मतलब अगर ये test tube को अगर एक पूरा circle अगर इस तरह से complete करना है तो इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ये होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5r और g। ओके, तो अब हम लोग यहां पे यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन इनिशियल मोमेंटम यहां पे दोनों का भी जीरो है, टेस्ट ट्यूब और कॉर्क का। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? समझो मैं अगर टेस्ट ट्यूब का अगर लिखता हूं तो टेस्ट ट्यूब का मास है 2m इनटू इसकी वेलोसिटी v, और प्लस यहां पे जो कॉर्क है उसका मास m है और इसकी वेलोसिटी हम लोग यहां पे v1 और इसको v2 कर देते हैं। बट इस केस में जो कॉर्क है और टेस्ट ट्यूब है इनकी डायरेक्शन अगर एक दूसरे से अपोजिट है तो इस केस में मुझे यहां माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ये माइनस में यहां पे पुट कर दूंगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ कॉर्क एंड टेस्ट ट्यूब आर अपोजिट, क्योंकि टेस्ट ट्यूब इधर जाने वाली है, सॉरी टेस्ट ट्यूब राइट लेफ्ट साइड में जाने वाली है और जो कॉर्क जो है वो राइट साइड में मूव होने वाला है। ओके, तो अब इस हिसाब से क्या होगा कि दिस विल बी माइनस ऑफ टॉइस एम वी वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी टू। राइट, माइनस माइनस यहां से कैंसिल हो जाएगा, एमएम भी कैंसिल, तो टॉइस वी वन इज इक्वल टू वी टू। अब वी टू किसकी वेलोसिटी है? यह है कॉर्क की, जो हमें फाइंड करनी है, और वी वन इज द वेलोसिटी ऑफ टेस्ट ट्यूब। और हमने पहले देखा था कि अगर इस टेस्ट ट्यूब को एक सर्कल अगर पूरा करना है तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5r g, दैट इज इक्वल टू वी टू। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क, दैट इज 2 times अंडर रूट ऑफ 5r g। राइट, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाता है। ओके,